भारत साउथ अफ्रीका वनडे मैच को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। ट्रैफिक को देखते हुए शहर को 4 सेक्टरों में बांटा जाएगा। वहीं सुरक्षा को लेकर पुलिस जवान 10 मार्च को सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। मैच के मद्देनजर जिला पुलिस की ओर से पैराग्लाइडिंग पर प्रतिबंध लगाने के फिलहाल कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। मैच के दौरान सुरक्षा को लेकर 900 के लगभग पुलिस जवानों को तैनात किया जाएगा, जो कि शहर सहित स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था देखेंगे। मैच को लेकर पुलिस पूरी रणनीति के तहत काम कर रही है। एसपी जिला कांगड़ा विमुक्त रंजन ने कहा कि इंटरनेशनल वनडे मैच को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। 900 के लगभग पुलिस जवान मैच के दौरान सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक को लेकर शहर को 3 से 4 सेक्टरों में बांटा जाएगा, जबकि भीड़ को लेकर सेक्टराइजेशन स्टेडियम के जो बड़े प्रवेश द्वार है उसके आधार पर की जाएगी। 9 मार्च से पुलिस जवान सुरक्षा को लेकर तैनात कर दिए जाएंगे। सारी प्लानिंग और जो भी सिक्योरिटी स्कीम है वो तैयार कर ली गई है। लगभग 900 के करीब पुलिस जवानों और कर्मचारियों की तैनाती होनी है। उसके लिए जो रिक्वायरमेंट के लिए जो डिमांड है वो पुलिस मुख्यालय को भेज दी गई है। जो भी सेक्टराइजेशन का प्लान है, ट्रैफिक का प्लान है, सब तैयार कर लिया गया है एंड वी आर रेडी फॉर गेटिंग इट कंडक्टेड इन अ सेफ एंड सिक्योर मैनर। शहर तो ट्रैफिक के दृष्टिकोण से 3 या 4 सेक्टर्स में रहेगा, लेकिन मेन जो सेक्टराइजेशन है वो क्राउड को लेकर के और उनकी एंट्री को लेकर के होती है। तो जो स्टेडियम के स्टैंडर्ड 5 बड़े एंट्री गेट्स हैं उसके आधार पर ही सेक्टराइजेशन की गई है। एसपी जिला कांगड़ा विमुक्त रंजन ने कहा कि टिकट ब्लैक को लेकर पिछले मामले को देखते हुए एचपीसीए को कहा गया है कि ऐसी कोई सूचना आती है तो पुलिस को सूचित करें। पैराग्लाइडिंग को रोकने के लिए किसी भी तरह का आग्रह नहीं किया गया है। धर्मशाला आने वाले सभी सड़क मार्गों पर 6 से 7 नाके लगाए जाएंगे। पुलिस फोर्स 9 पार्शियली 9 तारीख से और उसके बाद 10 तारीख से पूर्ण रूप से। नहीं, इस संबंध में हमारे पास ना कोई इन्फॉर्मेशन है, ना कोई सूचना है, ना टिकटिंग को लेकर के एचपीसीए की ओर से हमें ऐसी कोई आशंका या ऐसा कुछ आया है। हमने अपनी ओर से एचपीसीए को सेंसिटाइज कर दिया है कि पिछली बार ऐसा कोई एक मामला संज्ञान में आया था, तो वो सचेत रहें और ऐसी कोई भी अगर ऐसे उनके पास सूचना आती है तो हमें सूचित करें। धर्मशाला की ओर आने वाले सभी जितने भी रोड्स हैं उन सभी को 6 या 7 नाके हमें उसके लिए लगाने पड़ते हैं। सभी पॉइंट्स को हम लोग सील करेंगे और वहाँ पे नाके लगाएंगे। पार्किंग की व्यवस्था पुलिस ग्राउंड में रहेगी, दाढ़ी मेला ग्राउंड में रहेगी, विधानसभा के पास जो रावत स्टेडियम है वहाँ पे रहेगी, डीसी ऑफिस की पार्किंग है यहाँ पर भी रहेगी। लाइव टाइम्स टीवी के लिए धर्मशाला ब्यूरो की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.livetimes.tv।